एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आइए ना, सुबह 3 बजे का वीडियो है। तो सुबह सुबह ना मेरा आँख खुल गया था, उसके बाद फिर नींद ही नहीं लगी। और नींद खुल जाता है ना तो फिर मतलब कभी तो ऐसे अचानक से सुबह सुबह मेरा नींद नहीं खुलता, और खुल जाने के बाद लगता है ना सुबह सुबह टहल लूँ तो सबसे अच्छा है, क्योंकि टहलना ना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और पहले तो ऐसा था ना कि मैं 4 बजे 5 बजे उठ के ना डेली टहलती थी, और 3 बज रहा है तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और जो मतलब लाइट के आगे जो होता है ना, मतलब कुछ जो उड़ता है ना सुबह के टाइम, मतलब कुहासा जैसा जो होता है ना, वो बार बार लाइट के आगे आ रहा था। तो इसके लिए लग रहा है जैसे अजीब जैसा लग रहा है, क्या चल रहा है, वैसा कीड़ा जैसा लग रहा है, छोटे छोटे जो कीड़ा होता है ना उस टाइप का लग रहा है। नहीं, कीड़ा नहीं है, वो जो सुबह सुबह जो कुहासा आजकल होता है ना, अब तो सुबह के टाइम ना सुबह उठी थी तो कुछ ज़्यादा ही कुहासा था, तो वही है। और फिर पूरा घर, पूरा छत जो पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो मैं सबसे पहले छत पे पहुंच गई थी, छत पे मैं कम से कम 3 बजे उठी थी ना, तो 5 बजे तक टहली थी। 5 बजे तक जब तक पूरा रोशनी हो गया ना तब तक मैं टहल ही रही थी, और बहुत अच्छा लगा। मतलब टहलने के बाद सुबह सुबह मतलब घूम लो ना, टहल लो तो फ्रेश, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद कोई काम भी काज करने में ना मन लगता है, अच्छा लगता है। तो सुबह मेरा नींद खुल गया तो मतलब खुश भी हो गया, क्योंकि जल्दी मेरा नींद खुलता नहीं है, और खुल गया तो मतलब अच्छा लगता है। सोचती तो मैं डेली हूँ कि सुबह सुबह उठ के कम से कम 1 घंटा जरूर टहल लूँ, हो नहीं पाता है गाइस। और आज क्या है कि परी भी सोई भी है, तो उतना टेंशन भी नहीं है, रोएगी ना, अगर आवाज भी आएगा तो ऊपर तक आएगा। और गया में क्या है ना कि गया में अगर छत पे चले जाओ ना परी को छोड़ के, तो फिर छत पे मम्मी मतलब जगी भी रहेगी तो कॉल करेगी तब पता चलता है कि परी उठ गई। तो यहाँ पे वो नहीं है, वहाँ यहाँ पे मैं छत पे टहल रही हूँ, तो परी अगर जग गई तो मैं दौड़ के नीचे चली जाऊंगी। और उसके बाद सुबह सुबह मैं आपको सबसे पहले मतलब मूड जो फ्रेश हो जाता है ना वो आपको मैं दिखाती हूँ। फ्लावर, फूल को देख के ना मन खिल जाता है, अच्छा लगता है। फूल को देख के बहुत अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। फूल मतलब आसपास ना फूल ज्यादातर अगर रहता है ना तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छी वाली जो एनर्जी होती है ना वो आती है। तो ये देख सकते हो, ये वाला जो व्हाइट वाला है ना, ये बहुत ज्यादा खिलता है। और सुबह का टाइम है तो पूरा बारिश जैसा, मतलब पानी जो सुबह शीत जो गिरता है ना वो फूलों पर अच्छे तरीके से पूरा गिरा हुआ है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। यहाँ देख सकते हो पानी पानी जैसा लग रहा है। और ये वाला छोटा वाला जो है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा बड़ा खिला हुआ था। तो मैं इसको ना जूम करके बार बार वीडियो ले रही थी कि देखती हूँ कि मतलब जूम में पूरा अच्छे तरीके से क्लीन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे जूम करके ली तो बहुत अच्छे तरीके से इसका जो मतलब क्लीनिंग होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। ये छोटा वाला फूल है, इस कलर का ना, मतलब ये जो छोटा वाला होता है ना, ये ना दो कलर में आता है, एक पीला में खिलता है, एक पिंक में खिलता है, एक रेड भी खिलता है, 3 कलर में आता है। तो ये फूल बहुत सुंदर लगता है, गुलाब के फूल जैसा लगता है, सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बाहर गई थी, बाहर उस टाइम मेरा टहला हुआ हो चुका था, 5 बज रहा था। तो देखते तो 5 बजे थोड़ा बहुत रोशनी आ जाता है, तो वही साफ साफ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ना अंधेरा उतना नहीं लग रहा था जितना उस टाइम लग रहा था। तो यहाँ पीला वाला भी जो फूल है ना वो भी खिला हुआ है, तो पीला वाला भी सुंदर लग रहा था। और रेड वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, रेड वाला जो अड़हुल का फूल होता है ना, सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ में यूज होता है, पूजा पाठ जिससे ज्यादातर किया जाता है, अड़हुल का फूल वो है। तो मैं क्लीन मतलब पूरा जूम करके इसका वीडियो ले रही थी, बहुत अच्छा आ रहा था, देख सकते हो जूम करके कितना मस्त एकदम आया। तो जूम करके ना मैं इसका लेके देख रही थी कैसा आता है। और उसके बाद फिर किचन में मैं पहुंच गई, तो किचन में मैंने 2 कप चाय बनाया है, तो यहाँ मैं बैठ के शांति से चाय पीऊंगी और पापा को दे दूंगी। जब मैं उठी थी ना उससे पहले मेरे पापा उठ गए थे, पापा कैसे भी नींद ना सुबह सुबह सबसे सुबह खुल जाता है सबसे पहले। तो मेरा तो कभी काल ही होता है कि मतलब नींद खुलता है सुबह, ऐसे हमेशा नहीं खुलता है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरा नींद सुबह खुल जाए। सुबह उठने के बाद ना मन बहुत फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय 2 कप में ढारी और 1 कप में दे दी थी जाके मैं पापा को बिना चीनी का चाय, और उसके बाद 2 कप मैं अपने लिए ढारी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो दूध मतलब चाय थोड़ा सा गिर गया था ना, फिर मैं वहाँ से कपड़ा ला के इसको क्लीन करके पोछ ली, और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। तो सुबह सुबह मतलब चाय पानी सब पी लो, और उसके बाद चाय मतलब सुबह अगर उठ जाते हो ना तो चाय पीने के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है अच्छा खासा, आप अस्थिर से शांति से बैठ के चाय पी सकते हो, मतलब हड़बड़ी नहीं रहता है। और ऐसे अगर लेट से उठते हो ना तो फिर हड़बड़ी टाइप का हो जाता है, काम करने में कुछ समझ नहीं आता, जल्दी जल्दी चाय पियो, 5 चाय अगर पानी भी हो जाए तो फिर वो भी पी जाओ, अब बाद में फिर चाय पीने का मतलब मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, लगता नहीं है जैसे कि चाय पिए हुए हैं। और अगर शांति से बैठ कर आप पीते हो ना तो अच्छा लगता है कि कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आप बैठ के अच्छे तरीके से फोन देखते थे चाय पीते हो तो मज़ा आता है। तो यहाँ मैं चाय पी ली थी, और उसके सारा रात का जो बर्तन था ना, वो सारा जितना बर्तन था
और चाय पानी का जो बर्तन था सारा मैंने ले लिया है, तो सारा मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ। और उसके बाद परी अभी सोई भी है, अभी चाय टाइम नहीं हो रहा, 5:30-6 बज रहा होगा, क्योंकि देख ही रहे होगे ना, मतलब ज्यादा लाइट भी उतना धूप धूप नहीं आ रहा है कि 7 बज गया, 6 बज रहा होगा, शायद 6 बज रहा होगा, क्योंकि चाय पीने टाइम भी मैं आधा घंटा जाके बैठ गई थी। और बातचीत कुछ कुछ मम्मी से बातचीत, मतलब हम लोग बैठे हुए थे तो मम्मी और मैं बातचीत कर रहे थे और परी सोई भी थी। तो यहाँ उसके बाद मैं बात करके, और उसके बाद भी जितना चाय का जो बर्तन था ना वो भी मैं ले आई, छोटा जो डेक्ची देख रहे हो ना उसमें जितना जूठा कट्ठा जो बर्तन था ना वो सब जूठा कट्ठा जो रात का था ना वो सब मैं उसमें डाल दी थी। और बाद में मम्मी उठेगी ना तो वो बाहर जाके फेंक देगी, बाहर फेंकाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एप्पल को कट कर लिया, 2 एप्पल मैंने कट किया, तो 1 एप्पल ना परी को मैं दूंगी और 1 पापा को। तो परी क्या है ना कि छील के खाती है, मतलब बिना छीले हुए ना नहीं खाती, उसको नहीं अच्छा लगता, जो छिलका होता है ना उसको मुंह में फंस जाता तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। इसी की वजह से ना मैं इसको छील देती हूँ और उसके बाद इसमें नमक लगा देती हूँ तो अच्छा लगता है उसको। और ऐसे छील के खाना नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादातर फायदेमंद मतलब छिलके में ही फायदा होता है, छिलका ही ज्यादा मतलब खाना फायदेमंद होता है। लेकिन क्या करे, बच्चों को जो पसंद होता है वही देना पड़ता है। यहाँ देखिए तो सीट हो चुका है खाली। और कल क्या था ना कि सारा बेल सीट जो पहले से था ना वो सारा धुला है, तो अभी बेल सीट नहीं बिछाया था मैंने, दोनों बेड पे सिर्फ गद्दा मैंने दे दिया था। और बेल सीट मैं अब बिछाऊंगी और अभी देखती हूँ, अभी ना जो ओढ़ना मैं परी को ओढ़ा देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम होता है ना कि फैन चलता है ना तो ठंडा लगता है, ठंडा थोड़ा सा ना ठंडापन है। और गया में ना यहाँ से ज्यादा ठंडा लगता था और यहाँ नहीं उतना है लेकिन फिर भी लगता है। तो उसके बाद मैं ज्यादा मतलब जो भी बेड पे रखा हुआ था ना सारा परी जो रात में मैं लेके सोती हूँ, पैंट टूंट इसका होता है, और फिर मतलब होता है ना कि भींग जाता है रात में, मतलब टी शर्ट वीशर्ट भी कुछ मतलब खेलती उलती है ना तो टी शर्ट को कोई ठिकाना नहीं रहता है कब गंदा हो जाए। तो इसके लिए मैं इसका टी शर्ट भी एक लेके सोती हूँ और फिर 2 पैंट लेके सोती हूँ ताकि सुसु करे तो मैं इसको बदल दूँ। ऐसे सबसे अच्छा सबसे बड़ी बात सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है ना कि परी अब बेड पे सुसु नहीं करती है। परी अब ज्यादातर जब भी सुसु लगता है ना तब ये बाहर चली जाती है, मम्मा पैंट खोल देने के लिए बोलती है, पैंट खोल दो वो सुसु कर लेती है फिर पहना देने के लिए बोलते हैं। मतलब बहुत समझदारी धीरे धीरे मतलब देख के ना लगता है कि बहुत जल्दी समझदार होते जा रही है। और मतलब अगर बोलो भी ना कि बेड पे मतलब कर लो परी, मतलब नीचे अगर उतार दो ना तो नीचे कहते हैं ना कि कर लो पोछ दूंगी, लेकिन नीचे भी नहीं करती, सीधा डायरेक्ट ना बाहर चली जाती है। बहुत अच्छा आदत सीखी है बच्चे लोग को ना, धीरे धीरे आदत सिखाना चाहिए क्योंकि मतलब आदत धीरे धीरे वही बच्चे मतलब होते हैं ना कि आदत जो लगाओ ना वही आदत उसमें लग जाता है। और परी ना धीरे धीरे जो भी मतलब समझाते हैं ना वो धीरे धीरे समझती है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं उतना भी ज्यादा, मतलब सिर्फ खेलने में थोड़ा सा ज्यादा रहती है। बच्चा है तो खेलेगा ही खेलेगा, कोई भी बच्चा है उसको बचपन में ही तो खेलने का शौक रहता है, तो बदमाशी भी तो बचपन में ही करेंगे, बच्चे नहीं बदमाशी करेंगे तो कौन करेगा, ये भी है। और उसके बाद यहाँ मैं बेडरूम सब मैंने झाड़ दिया था और बेडरूम साफ मैंने कर दिया था और क्लीन कर दी थी ताकि परी मतलब बेड पे आके बैठ के खाती है चाय, मतलब चाय बिस्किट मैं उसको खिलाती हूँ तो बेड पे ही खिलाती हूँ क्योंकि बेड पे वो फोन देखते देखते खाती है ना इसी की वजह से। तो बेड मैंने क्लीन कर दिया था और उसके बाद यहाँ खाना बनाने में मैं लग गई थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, यहाँ शायद बना था चावल दाल, आलू का भुंजिया, करेले का भुंजिया और फिर साग। तो लास्ट में मैं सबसे पहले ना भुंजिया जब बन चुका था उसके बाद मैं साग बना रही हूँ। मैं ना साग में यहाँ आलू डाल देती हूँ और टमाटर डाल देती हूँ। आलू डालो ना तो मतलब लस्सा गंध जो होता है ना मतलब लस हो जाता है और मतलब थोड़ा सा ग्रेवी भी बन जाता है, अच्छा लगता है। मतलब सादा सिर्फ ना आप बनाते हो ना सादा मतलब साग, ज्यादातर तो पालक के साग में ही आलू मैं डालती हूँ, ऐसे कोई और साग में नहीं डालती हूँ। लेकिन पालक के साग में आप आलू थोड़ा सा छोटा छोटा मतलब पीस जो होता है ना वैसे आप करके डाल के बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है। और फिर टमाटर आप डाल दो और नमक डाल दो और उसके बाद उसको ढक दो। तो आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, आज ना मेरा ध्यान पता नहीं कहीं और था या मैं कुछ और मतलब ध्यान नहीं रहा एकदम, मतलब लगा जैसे भुंजे उंजे भुंजना है वैसे हो गया, पता नहीं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे साग तो मैंने डाल दिया है, मतलब पालक का साग मैंने पानी मतलब बड़ा वाला जो गमला था ना उसमें धो के 2-3 पानी से धो लिया था और उसके बाद उसमें लेके आ गई थी और फिर मैं ऊपर से छान छान के डाल दी थी ताकि थोड़ा सा भी किन किन ना करे। और उसके बाद मैं क्या हुआ ना कि उसके बाद मैं नमक डाली साग में और उसके बाद तुरंत हल्दी ला के डाल दी, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर मतलब लगा जा साग में कभी भी हल्दी नहीं डलाता है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मुझे इतना हंसी आया ना मैं सोची निकाल देती हूँ, लेकिन फिर लगा पानी जो उसमें छोड़ता है ना वो पानी से पूरा मिल गया था तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था और मुझे लग रहा था पहली बार ऐसा हुआ कि साग में मैंने हल्दी डाल दी, इतना ध्यान मेरा कहाँ था। तो निकाल तो सकती नहीं थी क्योंकि पानी पूरा मिल चुका था। उसके बाद मैंने टमाटर लिया और टमाटर को कट करके और टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो टमाटर अब यहाँ पे टमाटर डाल दिया और नमक डाल दिया और हल्दी भी थोड़ा सा डाल दिया और मिर्ची और लहसुन से मैं छोंक देती हूँ, ज्यादातर मुझे ना टेस्ट अच्छा लगता है। अगर मिर्ची और लहसुन आप छोटा छोटा मतलब पीस करके कट करके उसमें डाल देते हो या तो लहसुन को क्या करते हो आप छेच के डाल देते हो तो ना साग बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ साग मतलब
ना कम करके फिर मैं छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं जल्दी से इधर आ गई थी ब्रश करने के लिए, तो अभी 7 बज रहा है, 7 बजे तक मेरा इधर का सारा काम हो चुका है और धूप आ चुका है देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ब्रश कर ले रही हूँ। और परी, अब परी उठ चुकी थी, तो परी को एप्पल मैंने कट करके दे दिया था, वो फोन देख के ना एप्पल खा रही थी। और फिर नाना उसके बाहर थे तो बाहर खेल रही थी, और नाना रहते ना तो उतना फिक्र नहीं रहता, थोड़ा सा बहुत कम टेंशन रहता है, और ऐसे ना ज्यादा रहता है क्योंकि उसको ना नाना मतलब खाने पीने पर भी सबसे ज्यादा ध्यान नाना देते रहते हैं, क्या खिलाना नहीं खिलाना है, मतलब दिन भर नाना के साथ अगर रहेगी ना तो खाने पीने में बेफिक्र रहती है, खाती पीती रहती है, और ऐसे अगर अकेले रहना तो फिर मतलब खेलने कूदने में ही रह जाती है, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। ऐसे पापा रहते तो उतना टेंशन नहीं रहता, पापा रहते निश्चिंत आदमी रहता है, खाने पीने के मामले में भी या तो किसी भी मामले में ठीक है। नाना के साथ रहती है तो बहुत खुश भी रहती है, खेलते उलते रहते, उसको उतना उतना मम्मा मम्मा याद नहीं आता बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं देख सकती हूँ यहाँ मैं साग बन के हो चुका है रेडी, तो मैं यहाँ पे आलू जो कट की थी ना, तो आलू भी पूरा अच्छे तरीके से गल चुका है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से ना कलछुल जो होता है ना उससे थास लेती हूँ, और वो पूरा चटनी की तरह हो जाता है, उसको थास लोगे ना तभी अच्छा लगेगा, ऐसे गोटा गोटा हल्का रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं इसको कुकर में कलछुल लेके और फिर कलछुल को धीरे 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 करके उसको अच्छे तरीके से मिला ले रही थी, और फिर नमक वमक डाला होता तो गल जाता है तुरंत, तो थस आ जाता है, उतना टाइम नहीं लगता है। और यहाँ देख सकते हो उसके बाद पूरा मिल चुका है, तो यहाँ आलू जो था ना वो भी अच्छे तरीके से पूरा थस आ गया है, तो वो भी पूरा चटनी की तरह गल जाता है, तो यहाँ देख सकते हो आप ना देखने में कितना अच्छा लग रहा है ठीक है। तो जूम तो इधर हो चुका है, बन चुका है सारा खाना पीना, वहाँ पे देख सकते हो अब खाना निकल गया हम लोग का, तो खाने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं बैठ रहे। तो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पर नए आए होगे तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।